बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम ज़ाफ़रान के कुछ फ़ायदों की बात करेंगे। ज़ाफ़रान जिसे केसर कहा जाता है और इसको सेफ्रॉन भी कहा जाता है और होम्योपैथी में इसे पोटेंटाइज करके बनाया जाता है और इसका नाम है क्रोकस सेटिवस। क्रोकस सेटिवस दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रीमेच्योर एजकुलेशन को कैसे हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, एफ्रोडाइजिक मेडिसिन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, एनल्जेजिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ हम दोस्तों ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है उसके बढ़ने से हमारी रगें और नसें लोहे की तरह ताकतवर हो जाती हैं। क्रोकस दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोकस को जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ काश्त होता है। तो सबसे पहला ये ईरान के अंदर काश्त होता है, ग्रीस के अंदर काश्त होता है और इंडिया के अंदर काश्त होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके स्टिग्मा से मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम क्रोकस सेटिवस है। क्रोकस सेटिवस दोस्तों क्यू पोटेंसी में यूज़ की जाती है। क्रोकस सेटिवस के अंदर दोस्तों मोर देन 150 एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं और वोलाटाइल कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले इसे बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अंदर टर्पोनॉइड्स होते हैं और ईस्टर्स मौजूद होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम इसके एक्शंस की बात करने के अलावा दोस्तों हम इसकी डोजेज की बात करेंगे और कब कब इसे मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए, क्या लगाने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और मेन जो इसका सिम्टम है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ गया है, मेल सेक्शुअल प्रॉब्लम्स के अलावा दोस्तों ये फीमेल के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारे नफ्स के अंदर वो ताकत, वो सख्ती नहीं रहती, हमारे नफ्स के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा खामियां महसूस होने लग जाती हैं और हमें यूँ महसूस होता है कि हमारे नफ्स के अंदर जान ही बाकी नहीं रही, ढीलेपन का शिकार हो गए हैं और दीगर मसाइल दोस्तों। उसके लिए दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन है, जिसमें से एक दोस्तों ये भी मेडिसिन है। बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हमें तभी आता है जब नसों के अंदर कमज़ोरी हो चुकी होती है, वेनोजेनिक ईडी हो चुका होता है, या हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी नसों का सिस्टम जो होता है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है। इस सारे मामलों को हल करने के बाद दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक नई जान, एक नई उमंग पैदा कर देता है। दूसरे नंबर पे अगर दोस्तों इसके बेनिफिट की बात करें तो ये हमारी बॉडी में बूस्टिंग मूड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और लिबिडो को इंक्रीज़ करने वाली बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। हमारी बॉडी के अंदर अगर ख्वाहिश की कमी आ गई, हमारा ब्रेन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के मामले में बिल्कुल भी ज़ीरो हो चुका है, जोजा के करीब जाने को भी दिल नहीं करता, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते के साथ साथ दोस्तों ये हमारे टेस्टीज़ के अंदर जो सूजन हो जाती है और टेस्टीज़ का जो सुकड़ाव आ जाता है, एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में पूछा था और व्हाट्सएप पर भी उसका मैसेज आया था कि डॉक्टर साहब टेस्टीज़ सुकड़ गए हैं। तो टेस्टीज़ के सुकड़ने की मेन वजह यही होती है, हमारी बॉडी के अंदर लेबिडोज कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल हद से ज़्यादा नहीं बन पाता जिसकी वजह से हमें लेबिडो की कमी आ जाती है। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थर्ड नंबर पर अगर दोस्तों देखा जाए तो एफ्रोडाइजिक मेडिसिन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। एफ्रोडाइजिक ऐसी तमाम मेडिसिन को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में लिबिडो को इंक्रीज करती हैं, प्रीमेच्योर एजकुलेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमारे स्पर्म काउंट को और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करती हैं और ख्वाहिश को इम्प्रूव करने के साथ साथ दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ताकत लाने का सबब बनती हैं। इसके अंदर दोस्तों एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्रोसिन कहा जाता है। क्रोसिन दोस्तों एक ऐसा केमिकल है जो सेक्सुअल ड्राइव की हमारी जो कैपेबिलिटी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ये एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन के तौर पर भी जानी जाती है। एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो डिप्रेशन को कम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मसाइल को लेके एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो चुका है, घर की प्रॉब्लम्स को लेके दोस्तों डिप्रेशन का शिकार होते हैं। काफ़ी ज़्यादा तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई है कि ये डिप्रेशन मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन वो तमाम मेडिसिन होती हैं जो आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करती हैं, डिप्रेशन को रिमूव करती हैं। अगर आपकी बॉडी से डिप्रेशन को रिमूव कर दिया जाए, कॉर्टिसोल हार्मोन ना बने हमारी बॉडी से, जब डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है तो हमारा सेक्सुअल ड्राइव ऑलमोस्ट
काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। अगर 5 नंबर पे देखा जाए तो ये बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी और बूस्ट ऑफ मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया मेडिसन है। हमारी मेमोरी पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर एक दोस्तों बहुत ही बढ़िया केमिकल पाया जाता है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 150 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। क्रोसिटीन कंपाउंड जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है। क्रोसिटीन केमिकल की मौजूदगी की वजह से ये दोस्तों हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो हमारा लर्निंग और जो हमारा मेमोरी पावर सिस्टम होता है उसको दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। जो ये मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है अल्जाइमर डिजीज़ को क्योर करने के लिए, शिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों को क्योर करने के लिए और इसके साथ साथ पार्किंसन डिजीज़ को कवर करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर जो क्रोसिटीन नामी कंपाउंड बनता है या केमिकल रहता है वो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों देखें 6 नंबर पर, तो ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर कहीं की ख़राबी आ गई है और हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कहीं पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, उस डिस्टर्बेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको ट्रिगर आउट करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है क्रोकस सैटिवस। इसके अलावा दोस्तों 7 नंबर पे देखा जाए तो ये वेट लॉस का काम करती है। एपिटाइज को कम करने के साथ साथ ये वेट लॉस का काम करती है। हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट होती है, जो चर्बी वगैरह होती है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसन के तौर पर भी जानी जाती है। एंटी बैक्टीरियल दोस्तों ऐसी मेडिसन होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट चलती हैं और हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुके हुए होते हैं उनको क्योर करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। नंबर 9 पे देखा जाए हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है। अगर हमारी बॉडी को डायबिटीज़ मेलाइटिस का सामना करना पड़ रहा है या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी डिजीज़ शामिल हो चुकी है जो हमें लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, तो उसको भी क्योर करने के लिए दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है और फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों बढ़िया मेडिसन है। इस मेडिसन को दोस्तों इस्तेमाल करने के तरीके की अगर बात करें, इस्तेमाल करने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ दोस्तों एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट को इनक्रीज़ करती है। हमारी बॉडी का स्पर्म्स काउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर मेडिसिन बना चुका हूँ। साइडोनिया वल्गर्स के बारे में मेडिसिन बता चुका हूँ, एस्फॉल्टम के बारे में मेडिसिन बता चुका हूँ मैं आपको, एस्फॉल्टम एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। मॉस्कस के बारे में बता चुका हूँ। उनके अलावा दोस्तों ये भी एक बढ़िया मेडिसिन है और काफ़ी दोस्तों का ये भी कमेंट होता है कि डॉक्टर साहब आप सारी सेक्शुअल हमारी जो सरगर्मियाँ होती हैं उससे रिलेटेड, उनको इम्प्रूव करने से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो ये आप दोस्तों के कमेंट्स आते हैं तो मैं वीडियो शूट करता हूँ। अदरवाइज़ हमें कोई शौक़ नहीं है इस तरह की वीडियोस बनाने का। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जो हमारी बॉडी की सारी ख़राबियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो दोस्तों ये आपकी बॉडी के एसाबी निज़ाम को भी मजबूत बनाती है, ब्लड फ्लो को भी बेहतर करती है और साथ ही साथ दोस्तों हमें दीगर प्रॉब्लम्स जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं या मसल्स से रिलेटेड होती हैं, उस सारे मसल्स के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए और नसों के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए और नसों के अंदर खून के फ्लो को बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो मदर टिंक्चर में इस मेडिसिन को लिया जाता है। 20 ड्रॉप्स आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी में डाल के आप इसको इस्तेमाल करें। 1/4 कप पानी ले लीजिए, उसके अंदर 15 से 20 बूंद आप क्रोकस सैटिवस के डालें। 15 बूंद आप सुबह को इस्तेमाल करें, 15 बूंद दोपहर को और 15 बूंद शाम को इस्तेमाल करें। हर उम्र के लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। पाकिस्तानी अगर मेडिसिन देखें तो 1850 के राउंड अबाउट ये मेडिसिन आती है। अगर आप जर्मनी की मेडिसिन लेना चाहते हैं तो थोड़ी कॉस्टली आएगी। एवरी एज के जो पर्सन हैं उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। फीमेल के साथ साथ दोस्तों मेल की बॉडी और फीमेल दोनों की बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई मसाइल हैं जिनको ट्रीट करने के लिए, जिनको सॉल्व करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें कितने अरसे के लिए इस मेडिसिन को लिया जाए तो ऑलमोस्ट आप इस मेडिसिन को 3 से 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी सेफ मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट और कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी पे नेगेटिव नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।